कहाँ बॉडी बॉडी बना के कहाँ फास्ट फूड पे सेल कर रहे हो आप? भैया फास्ट फूड नहीं है, डाइट का है सारा। डाइट का? हाँ जी। फास्ट फूड नहीं है? नहीं फास्ट फूड नहीं है। अरे स्टीमर रखा हुआ है? नहीं, स्टीमर में आपको डाइट का मिलेगा। स्टीम कबाब है। अच्छा। स्टीम लेग पीस है और स्टीम ब्रेस्ट है। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये बॉइल्ड वेजीज है, इसमें कैप्सिकम होते हैं, रेड येलो और ग्रीन, और आपका स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, कैरेट, ब्रोकली, ब्रोकली हम एडिशनली ऐड करते हैं, और उसके अलावा इसमें होते हैं ऑलिव्स वगैरह। लास्ट ईयर की ट्रॉफी है मिस्टर इंडिया की। हाँ जी भैया, पता लगा ना ट्रॉफी आपकी है। भैया चिकन सैलेड बेस्ट रहेगा, तिलापिया फिश है जिसमें लीन प्रोटीन होता है, फैट सबसे कम होता है, और वो भी स्टीम में भी होगी, ग्रिल में भी होगी, और आपका रैप होंगे, चिकन रैप। हेलो दोस्तों, कैसा है मेरा फूडी परिवार? तो भाई आज अपने फूडी परिवार को एक ऐसी लोकेशन में पहुँचाना लेके भाई, जहाँ पर भाई आपको फास्ट फूड नहीं मिलने वाला, भूल जाओ, मिलेगा सिर्फ जिम डाइट मिलेगी। और भैया ने कर रखा है भाई, पहले मैं दिखा दूँ भाई, पहले मेरी नज़र गई थी इस पर, तो भाई ये देख लो भाई, मिस्टर इंडिया। और भैया क्या हाल चाल है? बस बढ़िया भैया, आप बताओ। कहाँ बॉडी बॉडी बना के कहाँ फास्ट फूड पे सेल कर रहे हो आप? भैया फास्ट फूड नहीं है, डाइट का है सारा। डाइट का? हाँ जी। फास्ट फूड नहीं है? नहीं फास्ट फूड नहीं है। अरे स्टीमर रखा हुआ है? नहीं, स्टीमर में आपको डाइट का मिलेगा, स्टीम कबाब है। अच्छा। स्टीम लेग पीस है और स्टीम ब्रेस्ट है। और इसके नीचे, अच्छा ये सब है? इसके नीचे भी सेम आइटम है, ब्रेस्ट और लेग पीस। नहीं भैया, नहीं भैया फास्ट फूड नहीं है, टेस्ट के लिए आइटम्स हैं ये, पॉपकॉर्न वगैरह, पर ये भी ऑलिव ऑयल में कुक हो रहे हैं, कोई ऐसे मतलब उसमें नहीं हो रहे, रिफाइंड वगैरह में ना, डीप फ्राई है, कबाब है, नगेट्स हैं, और आपके ये पॉपकॉर्न है, कीमा रोल है, एक न्यूट्रीला कीमा रोल है वेज के लिए, ये वेज प्रोटीन रैप है। ये क्या रखा हुआ पहले ये बता दो मुझे जरा। ये भैया मेरी लास्ट ईयर की ट्रॉफी है मिस्टर इंडिया की। अब आई ना ट्रॉफी तो पास में? हाँ जी भैया, पता लगा ना ट्रॉफी आपकी है, लग रहा है जिम विम कर रहे हो मतलब। हाँ जी भैया, इस साल कोई तैयारी व्यारी है? हाँ भैया इस साल भी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की तैयारी, लोगों को ये खिलाने का। ये भैया अपने डाइट के लिए करते थे तो उसी से आइडिया लगाया कि कितना कॉस्टली था मार्केट में, तो आप मेरी कॉस्ट रेंज चेक करो, ये बहुत नॉर्मल कॉस्ट है जिसमें बंदा इजीली अफोर्ड कर सकता है डेली की अपनी मील। अच्छा। आप प्री और पोस्ट वर्कआउट मील दोनों अफोर्ड कर सकते हैं। तो वेज वालों के लिए अलग डाइट और नॉन वेज? नॉन वेज के लिए अलग। क्या क्या होने वाला बताओ तुम जरा? नॉन वेज वालों के लिए रहेंगे पनीर रैप, जो होंगे आपके मल्टीग्रेन ओट्स और बीट रूट के जूस से बना हुआ होता है रैप, मेरा मैदा यूज नहीं होता बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मैदा यूज नहीं होता। मैं आपको रैप दिखा देता हूँ, ये होममेड है और ये रैप्स होते हैं, इसमें बिल्कुल भी मैदा यूज़ नहीं होता, नहीं इसमें बिल्कुल भी मैदा यूज़ नहीं है, मल्टीग्रेन ओट्स और बीट रूट के जूस से होता है, और जो सॉसेज भी रहती हैं जो हम उसमें डालते हैं अपने डाइट वाले में, वो घर की रहती है मिंट ये वाली, और कोई सॉस यूज़ नहीं होती एक्स्ट्रा, और ये घर की होती है। तो ये सब सेल्फ का कोर्स करा है या साथ साथ जिम के साथ ये सीखा है? भैया 7-8 साल से अपने लिए बना रहे थे तो आते आते कोर्स ही हो गया। अब तो कितने साल जिम कर रहे हैं? भैया 8 हो गए। 8 साल हो गए? हाँ जी। कॉम्पिटिशन फर्स्ट टाइम किया था, अपने लिए करता था आज तक, तो उससे पहले कभी नहीं किया था। के लिए कभी नहीं करा? उससे पहले कभी नहीं किया था, अभी लास्ट ईयर किया था मिस्टर इंडिया। जो जिम वाले बंदे होते हैं उन्हें मैंने सुना है हाई प्रोटीन चाहिए होता है। हाँ भैया, तो हाई प्रोटीन सारी डाइट है यहाँ पे। अच्छा। मैंने वो प्रोटीन रेंज भी मेन्यू करी है, मेंशन करी हुई है कि कितने परसेंट है प्रोटीन। अच्छा। किसी चीज़ में बताओगे? मैं थोड़ा डिटेल में बताओ। मैं आपको मेन्यू के अकॉर्डिंग शो कर देता हूँ, जैसे हमारी ये वेज मेन्यू है, इसमें जो पनीर रैप है इसमें 25 ग्राम प्रोटीन आएगा, क्योंकि आपका 100 ग्राम के अंदर 20 ग्राम अप्रोक्स आता है नॉर्मल में, और तोफू में आता है 15 ग्राम, तो आपका 200 ग्राम तोफू डलता है इसके अंदर, इसके अंदर 150 ग्राम डलता है, प्लस ये वेजीज होती है हमारी बॉइल्ड। अच्छा, ये क्या होता है? क्या क्या होता है? ये बॉइल्ड वेजीज है, इसमें कैप्सिकम होते हैं, रेड येलो और ग्रीन, और आपका स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, कैरेट, ब्रोकली, ब्रोकली हम एडिशनली ऐड करते हैं, और उसके अलावा इसमें होते हैं ओलिव्स वगैरह, ओलिव्स और एलापिनोस। मतलब बिल्कुल हाई प्रोटीन खिलाने वाले लोगों का। हाँ भैया, प्रॉपर प्रोटीन और फाइबर। और नॉन वेज के लिए क्या होता है? नॉन वेज के लिए भैया रैप्स होंगे, जो सेम आपको बीट रूट रैप दिखाए हैं इसके अंदर होंगे, और इसके अंदर आपका क्या कहते हैं चिकन रैप होगा, एक तो नॉर्मल होते हैं 40 ग्राम प्रोटीन अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, एक चिकन रैप मैक्स है जिसमें 60 ग्राम प्रोटीन अप्रोक्स है, चिकन कीमा जैसे आपको न्यूट्रीला दिखाया ऐसे ही कीमा का सेम होता है, चिकन सैलेड है, चिकन पॉपकॉर्न जो भी आपके सामने रेडी हो रहे हैं, और ये ऑलिव में रेडी हुए हैं, किसी और चीज़ में नहीं, अगर आपको चीट भी करनी है तो वो भी हेल्दी होगी। अच्छा। अनियन कबाब होते हैं जो हमारे स्टीम हो रहे हैं, ये अनियन कबाब है। ओके। ये भी डाइट में है, इसकी जो पेस्टिंग है उसके अंदर अनियन और मसाले होते हैं खड़े, और वो प्लेन कबाब से जो आप नॉर्मल कबाब रोल खाते हो ना वो आपको स्टीम में मिल जाएंगे। बता दो मैं साथ साथ ही, जो जिम वाले बंदे होते हैं उनके लिए कौन सी बेस्ट डाइट रहेगी आपके पास? भैया चिकन सैलेड बेस्ट रहेगा, तिलापिया फिश है
जिसमें लीन प्रोटीन होता है, फैट सबसे कम होता है, और वो भी स्टीम में भी होगी, ग्रिल में भी होगी, और आपका रैप होंगे, चिकन रैप, चाहे आप मैक्स लो। हाँ जी हाँ जी, फ़िश अभी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब स्टार्ट हो जाएंगी वो, आप लगा लो वेडनेसडे से स्टार्ट है। तिलापिया फ़िश रहेगी अपने पास। ये भैया BOT से बनवाया है, वहाँ पे इंद्रपुरम हैबिटेट सेंटर। हाँ अपना फ्रेंड ही है शुभ। इसमें भैया 1000 पड़ेगी सॉस, मिंट, थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड है, वो भी टेस्ट के लिए होगी, कस्टमर ने डिमांड किया है। ये रहती है कि जो जिम डाइट होती है उसमें सॉसेज यूज़ नहीं होती, कुछ नहीं होता। हाँ अगर आपको ऐसे लेना है तो वो सैलेड मिलेगा। अच्छा, और बाकी जो ये सॉसेज है ये आपकी डॉक्टर ओटकर की और वीवा की है, और उसमें थोड़ा कम ही फैट परसेंटेज होता है ना। ये कमेंट होते हैं कहीं भी जिम डाइट होती है। हाँ जी, सर अगर आप चिकन नॉर्मल ऐसे लोगे ना तो आपसे खाया बिल्कुल नहीं जाता, और जैसे 200 ग्राम चिकन है आप एक बार में नहीं खा सकते, थोड़ा सा टेस्ट ऐड करना पड़ता है। ये कस्टमर की डिमांड है तो टेस्ट ऐड हो रहा है, अगर वो नहीं बोलेंगे तो ये होममेड मिंट होती है, इसके साथ सर्व होता है। अच्छा। हाँ ये घर पे बनती है अपनी मिंट, उसमें सर्व होगा। तो ये स्टीम हो गया, ये सर्व होता है। ये स्टीम हो गया, अब ये रैप में लगेगा बीट रूट वाले। तो हमें क्या कराना है स्पेशल? आपको आज हम टेस्ट कराएंगे हमारे ऑनियन कबाब। ओके। जो ये रहे, ये वाले ऑनियन है, ये वाले प्लेन कबाब है। हाँ ये स्टीम हो रखे हैं, इसमें क्या है आपको अगर चीट भी करनी है तो चीट भी हेल्दी होगी, टेस्ट भी आएगा। ये जो ऑयल है ऑलिव है, मतलब अच्छा। नॉर्मल बेसिक फॉर्चून वगैरह नहीं है, ऑलिव ऑयल यूज़ हो रहा है। या मैं, मेरा तो ये है कि थोड़ा बाइसेप दिखा दोगे? थोड़ा सा बाइसेप भैया ऐसे देख लो, ये लड़के देखेंगे फिर। नहीं भैया कोई नहीं देखता। दिखाने के लिए नहीं बनाई हुई, अपने लिए बनाई हुई है। अच्छा। शौक है अपना दिखाने के लिए बना रखी हो? नहीं नहीं दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए, अपना शौक है। जिम करने का आइडिया तो आ गया था 8 साल पहले। अच्छा। शौक था, शौक से शुरू किया था। तो साथ में कुछ करते हो या? साथ में भैया बिजनेस था पहले ट्रांसपोर्ट का, पापा का, वो हैंडल करता था, अब पापा अकेले करते और मैं ही करता हूँ। अच्छा। अभी इस साल भी कॉम्पिटिशन की प्रेप कर रहे हैं, देखते हैं बाकी क्या रिजल्ट आएंगे। ये भैया आपका चिकन रैप मैक्स है, ये होगा 140 का। अच्छा। और जो नॉर्मल वाला है वो 120 का है। सिर्फ ब्रश की, आपका ब्रश की उसका डिफरेंस रहेगा, कितनी रहेगी ब्रश, बाकी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप लोगों ने शेफ का कोर्स करा हुआ है। नहीं भैया बिल्कुल भी नहीं, खुद बना के करा है सब, कोई कोर्स नहीं किया हुआ है। खुद घर पे अपने लिए करते करते करा है। भाजी आ अनियन कबाब ने, ये पहला भाई अपनी अमूल क्रीम, फिर आई है मिंट सॉस, हूँ थोड़ी जी आएगी घर की बनी हुई मिंट सॉस, हल्का जहा स्पाइसी करने लिए बस। और आ जड़े कबाब रहेंगे तुसी ए चीट कर सकते हो मतलब। अच्छा। और जड़े दूजे कबाब मैं लावांगा हजे एक और आएगा डाइट वाला, सिर्फ स्टीम करके मिंट के नाल सर्व होंदा है वो। पूरा प्रोटीन लेके जाओ, डाइट पूरी कर लो, डाइट पूरी कर लो, डाइट पूरी करना। आप मुझे बताओगे इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या प्रोटीन, कितना प्रोटीन होने वाला है इसमें? सर इसमें अप्रोक्सीमेटली कोई क्वांटिटी नहीं है, और ये एक जो है आपका 30-40 ग्राम का है। अच्छा। ये प्योर चिकन है, प्योर चिकन के साथ ये भी सेम है, बस ये कि ये है कि इसको आप ग्रिल करा हुआ तवे के ऊपर ऑलिव ऑयल में, और ये स्टीम हो रहा है। अच्छा। इसमें हल्का फुल्का जो है फैट क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा। तो ये खाने का बनाना है, लोकेशन बता दो भाई मुझे। आपको वाला है झिलमिल कॉलोनी, वेटर फेस टू रोड है, और ये ITI यूनिवर्सिटी के पीछे जो पार्क है ना, उसकी कॉर्नर पे। बारी और खाने में भाई कबाब हमारे आ चुके हैं, एक जो है जिम डाइट वाला है और एक जो है थोड़ा इन्होंने फ्राई करा हुआ, तो भाई कर लेते टेस्ट कैसा होने वाला है। भाई जो वैसे कबाब है वो ट्राई कर लेते भाई, पहले जो इन्होंने फ्राई करा हुआ और चटनी के साथ घर वाली, तो एक बाइट बनती है कैसा होने वाला है। सच बताऊं जो भाई अंदर इनका मटेरियल है ना, जब मुंह में जाता है ना वो कबाब का टेस्ट ही अलग आता भाई, और ऐसा कबाब सच में मैंने अभी तक कहीं नहीं खाया। और भाई ये दूसरा वाला है, ये मतलब ये फ्राई नहीं करा हुआ, ये जिम डाइट वाला है और ये वैसा है। तो भाई आप कभी इस तरह जा रहे हो ना विवेक विहार साइड, तो भाई आप आओ उनकी जिम डाइट टेस्ट करो और कमेंट करके बताना कैसा होने वाला है, और कमेंट भी करना भाई उस दोस्त को टैग करना जिसके साथ आओ और यहाँ पर खाओ ये सब। और भाई मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ,
और भाई लोकेशन बताओ कहाँ कहाँ हम शूट करें, कहाँ कहाँ हम पहुँचे, आपके उस बोलने पे हम वहाँ जाएंगे और शूट करेंगे और आपको साथ लेंगे। तो भाई जब तक के लिए बाय बाय।